हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ जी आप सबके जाने पहचाने कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच। तो सर, आज हम जरा बात करेंगे ओआईसी की। आप जानते हैं कि यहाँ पर ओआईसी की मीटिंग चल रही है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन कहा जा रहा है। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको, क्या पाकिस्तान इससे अचीव करना चाह रहा है, क्या कर पाएगा? और अफगानिस्तान के लिए ये हो रहा है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो खुद कर्जों के ऊपर चलता हो, जिसके अपने फंड्स जो है वो खत्म हो गए हैं और इकोनॉमी जो है वो बैठ नहीं गई है, लेट गई है, तो वहां पे आपको लगता है कि सब एक्टिविटीज होनी चाहिए? देखिए, एक्टिविटीज तो होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है। पहला एंगल तो ये है कि ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है पाकिस्तान की, लेकिन दूसरा इसका एंगल ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की सक्सेस नहीं है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद ना करता तो पाकिस्तान ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ये बुला नहीं सकता था। तीसरा इसमें बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि हमने कश्मीर के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास क्यों ना बुलाया या क्यों नहीं हुआ, और आज अफगानिस्तान पे ये क्यों हमें हम कर रहे हैं। जो हमारे लिए सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू है वो तो कश्मीर था, इंडिया था, उसमें तो हम ओआईसी को इकट्ठे नहीं कर सके। लेकिन मैंने अभी टीवी एक बोल टीवी पे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने वहीं पे भी बात की, तो उन्होंने कहा जी वो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जनाब ये सिर्फ अफगानिस्तान पे है, वन पॉइंट एजेंडा है ह्यूमैनिटेरियन। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने तो सवाल को टाल दिया, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने आज से कुछ माह पहले एआरवाई चैनल पे काशिप अब्बासी साहब के शो में कहा था कि हमें अगर ज्यादा तंग किया गया तो हम कोई और ब्लॉक बना लेंगे, जिसमें फिर बाद में माफिया शाफिया भी मांगनी पड़ी और मुश्किल पैदा हो गई, सऊदी नाराज हो गए और वह चीजें क्लियर हो गई। क्वेश्चन ये है कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस इसलिए है कि काफी ममालिक आए, और हमें प्रॉब्लम यह है कि हम अफगानिस्तान के मामले में ये बताना चाहते हैं भाई कि ये अगर आपने इस क्राइसिस को डील ना किया तो सबसे बड़े अफेक्टी तो हम हैं। पर देखिए, 2500-2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, 3.25 लाख अफगानी अभी तक पाकिस्तान आ चुके हैं पिछले 4 महीनों में, और वो भी हमने रोके हुए हैं क्योंकि बॉर्डर है, बॉर्डर फेंस लगी हुई है, हम बायोमेट्रिक रखा हुआ है, बहुत कुछ अफगानियों को आने के लिए वीजा चाहिए। वो माजी वाली याशियां नहीं है, उस पहाड़ चढ़ जो थले होता है, जो पहाड़ी तो इधर निकल गए उधर बढ़ गए, जो माजी में ये मौजे करते रहे हमारे साथ कि जिधर से मर्जी आ गए। अभी ये थैंक्स टू दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इन्होंने वो जो वायर लगा ली वहां पे, अगर बाढ़ ना लगाते तो जो पोजीशन थी, जिस तरह वहां पे अफगानी मुश्किल का शिकार है, जिन्होंने हमारा जो डॉलर हमारे यहाँ से ले गए, 10 से 15 मिलियन डॉलर डेली लेके जा रहे थे पाकिस्तान से। बल्कि मैं आज पढ़ रहा था शायद कि इस वक्त जो ज्यादातर पैसा जो आ रहा है पाकिस्तान में वो हुंडी और हवाला से आ रहा है, क्योंकि हुंडी और हवाला जो है उसमें बहुत सारे अफगानी इन्वॉल्व है दुबई में, तो वो पाकिस्तान में जो है वो अगर लेट से आप थ्रू इंटरबैंक डॉलर मंगवाते हैं तो वो लेट से 178 का है मेरा ख्याल है, या 175 के करीब है। अगर आप हुंडी हवाला से मंगवाएंगे तो वो आपको रेट दे रहे हैं 185-87, ठीक है। तो वो जो हुंडी हवाला से पैसा मंगवा रहे हैं ज्यादातर वो इस तरह कर रहे हैं पैसा, और इसके नुकसान ये है कि पाकिस्तान को वो जो 1.5 अरब डॉलर डायरेक्ट वो जो कम हो सकता है इन फॉरेन रेमिटेंस। बहुत सारे लंच हैं हमारे, कहते हैं कि अफगानियों को लेकर के ये एक नहीं है। सो हम जो ये करना चाह रहे हैं बेसिकली तो अपने आप को बचाना चाहते हैं, ठीक है जी, और हम इसमें समझते हैं कि अगर हमने अपने आप को ना बचाया ये सानू लैदे जान दे, ठीक है जी, हमें इस अपने आप को बचाना है। और उसके लिए जारी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ा दिन है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स मिस हैं। देखिए, मैंने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं देखा, मैंने कतर के फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं देखा, ये तो वो है जो हमें अक्सर नजर आते रहते हैं क्योंकि जरा मशहूर है तो हमारे सामने आ जाते हैं, बहुत सारों को तो हमने शक्लें भी नहीं देखी, सारी बात है इतने ममालिक हैं और इतना कुछ है, तो ये इसकी भी सारी बात है एक कुछ वजूहात है। और दूसरा, आपको पता है कि विद इन मुस्लिम वर्ल्ड भी बड़ी डिवाइड है, कतरीज जो है उन्होंने अपना एक न्यूट्रल रोल प्ले किया है जिसको यूरोप और अमेरिका समझता है न्यूट्रल रोल, इसलिए कतर के अंदर बहुत सारी जो वेस्टर्न ममालिक है उन्होंने अपने मिशन जो है वो जो अफगानिस्तान को डील करते हैं वो कतर में रखे हुए हैं। सऊदी जो है वो कम्प्लीटली उससे बाहर रहे हैं, लेकिन सऊदीज का क्योंकि डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कंट्रोल है इस तरह की एक्सरसाइज पे, सो लिहाजा वो अपने आप को रेलिवेंट समझ रहे हैं मेरा ख्याल है। उन्होंने 1 बिलियन रियाल भी सबके लिए दिया है,
हमने भी, पाकिस्तान ने भी 5 अरब जो है वो मुख्तस किए थे अफगानिस्तान के लिए, कि जारी बात है उनको चीजें चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस, ये वो भी मेरे ख्याल अगले दिन 160 मिलियन की हमने मेडिकल असिस्टेंस भेजी है, क्योंकि वो देखिए इतना बड़ा, देखिए 38 मिलियन की पॉपुलेशन है मैडम वो, और वहां पे जो सिचुएशन ये है कि 97% लोग जो है वो वहां पे जो है वो दे कैन गेट इन टू लाइक पावर्टी और उस चीजों में जा सकते हैं, हंगर हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा मसाइल होंगे और चीजें। और आप देखें ना, प्रॉब्लम ये था कि 75% बजट अफगानिस्तान का आज से 4 महीने पहले तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भेजते थे कि चलो यार इनसे मुल्क नहीं चल रहा, तो 75% बजट तो वो भेजते थे, अभी वो 75% बजट जो है वो भी नहीं आ रहा, फिर डोमेस्टिक रेवेन्यू भी आने बंद हो गए। अगले दिन तालिबान ने कोई वो किसी मुल्क पैसे भेज रहे थे 8 लाख किसी और मुल्क, कल किधर और सी काल किधर और देता, तो उन बेचारों की कैपेसिटी भी नहीं है, लोग भी नहीं है। सो एंड देन ऑब्वियसली द वर्ल्ड, वी नीड टू सेंसिटाइज द वर्ल्ड फॉर आर ओन सर्वाइवल, हमें अपनी सर्वाइवल के लिए सारा कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या चैलेंजेस आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कर रहा है। और एक आखिरी पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और वो है TTP के वाले से। देखें अगर हम अफगानिस्तान के लिए इतना कर रहे हैं, इमरान खान साहब को मैं देख रहा था कि वो तालिबान की एडवोकेसी आज भी कर रहे थे कि देखें जी उनका कल्चर इस तरह का है। देखिए आपने दुनिया के साथ रहना है तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अगर दुनिया, अब वो खुद बताए ना भाई उनके हसन अखुंद क्यों नहीं बोलते, उनका फॉरेन मिनिस्टर जाके दुनिया को बताए ना हम उनकी क्यों एडवोकेसी करते हैं इन मामले में, उनके कल्चर इस तरह के हैं, वो इस तरह के हैं, उस तरह के, वो खुद ही बता लेंगे, हमें क्या बताने की जरूरत है। हमें सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करें ना, हमारा जो आप काम है हम वो करें जो हमें हमें करनी, अगले मुल्क की एडवोकेसी करना वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं TTP के मसले को लेकर। अगले दिन वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान पे जो है वो हमले कर रहे हैं, तो हमने मेरे ख्याल है एक ड्रोन स्ट्राइक भी वहां पे की है, वो किस तरह की ड्रोन स्ट्राइक हुई है, वो बंदे तो बच गए हैं, मौलवी फकीरुल्लाह थे वहां पे। तो अब पॉइंट ये है कि ये जो लोग हैं हमें किस तरह मदद करते हैं TTP के वाले से, हम तो जारी बात है ये बहुत कुछ जो कर रहे हैं TTP को मैनेज करने के लिए भी कर रहे हैं, और अपनी सोसाइटियल सिक्योरिटी के लिए भी कर रहे हैं कि यार ये कल को लोग पाकिस्तान आ गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सोसाइटियल डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है अपने, जब तक जिस तरह आप कहते हैं ना कि आपके नेबर में एक अच्छा मुल्क होना चाहिए ताकि आप फ्लरिश कर सके, हमने इंडिया के साथ तो बिल्कुल डील लिंक है, अफगानिस्तान के साथ हम डील लिंक नहीं कर सकते क्योंकि रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, पॉपुलेशन एक दूसरे से मिली हुई है और हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है, वो तो आपको पता है रूटीन में इलाज कराने भी पेशावर आते हैं रूटीन में, मतलब अगर किसी को मसला है वहां पे तो वो पाकिस्तान आ जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं 3-4 घंटे में वो पेशावर आ जाते हैं, तो ये जो फैसिलिटीज हैं वो ऑब्वियसली उनके लिए मसाइल है। सो वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं ये ना हो कि ये दुनिया, और फिर एक और पॉइंट है कि हमारा जितना डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कैपिटल होगा उस कैपिटल को देखते हुए दुनिया अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करेगी, और वो जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कैपिटल है वो डिमिनिश हुआ हुआ है, वो उस तरह अपनी फुल आबोताब में नहीं है जैसे माजी में था। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। जी जी चीमा साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए इतना हैरान मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उनको तो पहले भी तालिबान खान कहा जाता था, तो अगर वो तालिबान के लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि अपने मुल्क की बात तो वो करते नहीं है, अफगानिस्तान का ज्यादा दर्द है उनके पेट के अंदर, और बाकी अपने मुल्क में लोग नजर नहीं आते। जो 5 अरब की आप बात कर रहे हैं तो हमारे तो अपने लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे तो अपने लोगों के पास खाने को नहीं है और ये पहले वहां भेज रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर ये इस्लामिक कंट्रीज को बुला रहे थे या ऐसी कंट्रीज को बुला रहे थे जहाँ पे मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, तो फिर तो इन्हें भारत के भी फॉरेन मिनिस्टर को बुला लेना चाहिए था, इसलिए कि भारत में भी एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है। मगर ये सिर्फ इस्लाम इस्लाम करके और एक मजहब का जो है कह कहकर कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज को तो हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि वो एक दूसरे की मदद नहीं करते। सऊदी अरब ने जो अभी हमें पैसे दिए हैं तो उसने कहा है कि जी 72 घंटे में आपने वापस करने होंगे जब भी हम कहेंगे, और वो सिर्फ बैंक में रखने के लिए। तो इकोनॉमी जो है वो तो हमारी क्या हालत है सभी जानते हैं, तो फिर ऐसे सूरत हाल में जो है इस तरह का इतना बड़ा इजलास रखना और उसका खर्चा पानी उठाना, बल्कि बहुत से हमारे यहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट हो तो ये भी कह रहे हैं पहले हम जा जाके मांगते थे, हम बुला के मांगेंगे, मतलब मांगना हमने हर हाल में, हम भीख मांग रहे हैं लेकिन पहले हम खुद जाते थे कटोरा लेके, अब जो लोग यहाँ आए हैं हम उनसे भीख मांगेंगे अफगानिस्तान के नाम पे, तो क्या उसमें से कुछ हमें भी रखने को मिलेगा? देखिए ऐसी बात नहीं है, देखिए मुझे ये बताएं, पहली तो बात है अफगानिस्तान OIC का मेंबर नहीं है तो क्यों बुलाएं,
और सॉरी इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है तो क्यों बुलाएं? क्या इंडिया ओआईसी का मेंबर बन सकता है? इसके लिए यूएई ने तो बड़ी कोशिश की, नॉन ऑब्जर्वर स्टेटस ये वो, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा शोर मचाया। ठीक है, तो अब मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान को बायपास कर देगा अरब ममालिक और इसको बना लेंगे, ये नहीं होगा, पाकिस्तान इसको नहीं करने देगा, मुझे आई एम 200% श्योर। आगे आ जाए जी कि हम बुला बुला के देते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं, अगर हम अफगानिस्तान के ऊपर ये सेशन ना बुलाएं तो हम क्या करें? हम यही है ना, खामोश रहे। ठीक है, अब मेरी बात सुने, आपके घर की चार दीवारें हैं, तीन दीवारें सिक्योर हैं, जो चौथी दीवार है ना उसमें दराड़ है, उसमें उसकी तरफ जो लोग रहते हैं ना वो थोड़े डिंगे हैं, उनके मामलात खराब हैं, वो भूखे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो आपकी दरअंदाजी करेंगे ना। देखिए आपने अपनी प्रोटेक्शन किस तरह करनी होती है, दो तरीके हैं, एक है कि आप कहें कि मैं किसी को अपने घर नहीं आने दूंगा, और एक ये है कि आप दूसरे के घर को जाके मैनेज करते हैं कई दफा, ताकि ये उठ ना सके हमें मारने के लिए, जिसे ऑफेंसिव डिफेंस है। सो द पॉइंट इज कि हम अफगानिस्तान के अंदर जा रहे हैं, वो एक बड़ी लॉलेस प्लेस है, अगर हम बिल्कुल आंखें चुरा लेंगे वहां से, तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो वो तो फिर वहां पे क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, कैसे वो हमें करेंगे, तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकेंगे? और दूसरी एक बात देखें, अफगानिस्तान जो है अगर दुनिया से आइसोलेट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तालिबान आ गए, आपने कल सुना है उसका बयान है वॉइस ऑफ अमेरिका पे, मैं देख रहा था, हमदुल्ला मुहिब जो कि अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने बयान दिया है कि तालिबान ने टेक ओवर इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने उनके साथ मुआहदा कर लिया था 2020 में फरवरी में, तो वो मुआहदा अमरीका ने किया, अफगान हुकूमत ने तो नहीं किया था। वो कहते हम तो लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जब अमरीका ने उनसे मुआहदा कर लिया है तो हम क्या करते? वो कहते हमें वो पैसे देते थे, पैसे नहीं दे रहे, फौजी जो थे वो नहीं दे रहे, हमें वो सपोर्ट आनी बंद हो गई, तो हम किस तरह लड़ते और क्या करते? पॉइंट ये है कि हम क्या करें? हमें पहले अमरीका ने और इन्होंने कहा कि हमें फैसिलिटेट करें, हमने वो कर दिया, बाद में तालिबान पावर में आ गए हैं, उन्होंने ब्लडशेड भी नहीं किया, सारा कुछ नहीं किया। देखिए मेरे लिए सबसे सुप्रीम मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, वो जो भी मेरी रियासत के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बताऊं, मुझे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बुलाएं अच्छी बात है, पर मुझे तकलीफ ये है कि जब पाकिस्तान कश्मीर पे बुलाना चाह रहा था तो क्यों नहीं आए ये सारे इकट्ठे हो, मुझे प्रॉब्लम वहां पे है। अफगानिस्तान पे भाई आ जाओ, जितनी दफा मर्जी मिलो, अफगानिस्तान पे मिलो, बॉस्निया पे मिलो, यमन पे मिलो, जिस पे मर्जी मिलो, लेकिन हमारा किधर पॉलिटिकल कैपिटल जाता है? मैं चाहता हूं वो सोल सर्चिंग होनी चाहिए हमारे पास, और हमने सारी बात ये जो खर्चा किया है ये खर्चा भी होना है। मैं तो अभी की बैठ के बात कर रहा था कि देखें हम इतना ज्यादा टाइम अफगानिस्तान पे जाया कर देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे उधर ब्रसल्स, अफगानिस्तान पे डिस्कशन हो रही है, जिधर बैठेंगे अफगान, ओ पाई दी जान छुड़ाओ, इससे निकले, इसको इसको कंटेन करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। देखिए दुनिया तो आरजू साहबा निकल गई अफगानिस्तान से, गंद किसके लिए है? वो गंद हमारे लिए है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ना। आप एक बात बताएं, अब वो बॉर्डर बताएं कि अगर हम उसको अगर क्लियर नहीं करते या उनको मैनेज नहीं करेंगे तो मामला कैसे ठीक होंगे? हमें मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन सर ये चाहे अफगान तालिबान हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे टीएलपी हो, इस तरह के जितनी भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बनाए भी तो हमने ही है। अगर हमने बनाए तो गंद भी हम ही पे पड़ेगा, कोई उड़ के वहां जाके अमेरिका में थोड़ी गिरेगा। ये हम ही थे ना जो सबसे पहले पहुंच गए थे मुबारकबाद देने के लिए, जनरल फैज हमीद वहां पर कहवा पी रहे थे कि जी बड़ा अच्छा हो गया तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, और ये शेख रशीद साहब थे जिन्होंने कहा कि जी तालिबान की फैमिलीज यहाँ रहती हैं, इलाज करने यहाँ आते हैं, और बहुत से तो पैदा यहाँ हुए हैं उनके लीडर्स। तो ये हमने खुद ही तो बनाए हैं, हमारी क्रिएशन है, तो जाहिर है संभालेंगे भी हम ही और नुकसान भी हमें ही होगा। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि टीटीपी को जो है ये तालिबान, अफगान तालिबान कंट्रोल करेंगे, वो भी वो नहीं कर रहे। तो ये टीटीपी भी हमारी बनाई हुई है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तहरीके तालिबान अमेरिका या इंग्लैंड तो नहीं है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई इज्जत करेगा? और ये लोग जो है कहीं पे हमारा पासपोर्ट सोमालिया के पासपोर्ट से भी नीचे आ गया है। चीमा साहब आप तो वैसे वर्ल्ड टूर पे रहते हैं अक्सर, तो आपको पता लगा कि हमारे पासपोर्ट की क्या हैसियत रह गई है? अच्छा एक बात, क्या पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने गलती की कि तालिबान बनाए, इरेगुलर वॉरफेयर में एंगेज हुए, सब क्रिटिकल वॉरफेयर,
नॉन स्टेट एक्टर बना के लॉन्च किए, सब कुछ किया, पर क्या पाकिस्तान अकेला था? क्या अमेरिका नहीं था? क्या वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं थी? क्या यूरोप नहीं था? क्या सऊदी अरब नहीं था? मुस्लिम वर्ल्ड नहीं थी? हमने तो गंद किया ना, हमसे बड़ी गंदी हरकत तो की किसी ने ना, लेकिन क्या बाकी दुनिया नहीं थी? उस वक्त तो अमेरिका कह रहा था तालिबान मुजाहिदीन बहुत जबरदस्त है, ये रशिया से लड़ेंगे, ये सोवियत से लड़ेंगे। उस वक्त तो ये देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, ईरान भी प्रॉक्सीज बनाता है, हम भी प्रॉक्सीज बनाते हैं, लेकिन हमारी और ईरान की प्रॉक्सीज में फर्क ये, दुनिया के बाकी प्रॉक्सीज, अमेरिका ने भी प्रॉक्सीज डेवलप की। देखिए अमरीक 9/11 क्यों हुआ था? 9/11 इसलिए हुआ था कि अमेरिका ने जिन तालिबान को बनाया था, और उस वक्त उसामा बिन लादन और ये जो जमातें बनी थी, बाद में अमेरिका उनको बैक दिखा गया, वो चले गए उधर, उन्होंने जाके 9/11 कर दिया, उन्होंने कहा तुसी सानू भूल नहीं, अभी तुम भूलना नहीं देंगे अपना आप। सो पॉइंट ये है कि हमने, ईरान ने भी प्रॉक्सीज बनाई है, लेकिन कभी ईरानी प्रॉक्सीज ने बैकफायर नहीं किया उनके ऊपर। क्या ईरान पूरे मिडल ईस्ट में प्रॉक्सीज में काम नहीं कर रहा? इराक में चले जाएं, यमन में चले जाएं, सीरिया में चले जाएं, लेबनान में चले जाएं, जहां जहां प्रॉक्सी लड़ाइयां हो रही हैं, ईरान का बड़ा हाथ है उसमें, लेकिन उन्होंने कभी ईरान पे वापस आके हमला नहीं किया। हमने प्रॉक्सी बनाई, सानू पे आ गई यहां को, ठीक है, बट वी हैड ए सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमसे गल्तियां हुई, हमें उस वक्त डीरेडिकलाइज करना चाहिए था, हमें डीलिंक करना चाहिए था, क्लैशनकोफ कल्चर खत्म करना, बहुत कुछ खत्म करना चाहिए था। देखें उस वक्त पाकिस्तान एक डिक्टेटर था, डिक्टेटर ना होता शायद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो अच्छे फैसले हो जाते, जिया साहब ना होते, ठीक है। मैं चीज कह रहा हूं हमने बनाए, भाई पॉइंट ये है कि क्या हमने अकेले बनाए? हमें तो बनाने ही नहीं चाहिए थे ना। मैं तो नहीं, ऐसे नहीं बात, आपने तालिबान बनाए, हमने भाई बनाए, डिक्टेटर था, गलती की, जिन लोगों के पास यूनिफॉर्म ना हो रियासत उनको लॉन्च नहीं कर सकती जहाद के लिए, जहाद वही करेगा जिन्होंने रियासत का यूनिफॉर्म पहना है और अपने कंधे पर झंडा लगाया हुआ। ये दुनिया मुसलमान, ये जहाद के भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये नहीं कि आप जिसको मर्जी गन पकड़ा के कपड़ों में कोई आप चले जाओ, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हाथ झाड़ के चली गई ना, हमारे खाते में पड़ गए। अब हम क्या करते हैं? हमारी गलती है अफगानिस्तान में, ये तो हम नहीं कह रहे और भुगत रहे हैं ना जी। किसने बड़ी हमसे अच्छी बड़ी कीमत दी है? क्या जो 70-75 हजार पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, ये हमने ही तो कीमत दी है। मजे की बात तो ये है कि ये सवाल भी नहीं किया जा सकता कि हमने ये कीमत क्यों दी है। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ जब दुनिया तरक्की कर रही थी। इस वक्त इंडिया के अंदर जितने वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे पैसा, जो यूनिकॉर्न जिन्हें बोलते हैं हम, यूनिकॉर्न एक कंपनी स्टार्टअप होता है दैट इज मोर देन $1 बिलियन। मेरा ख्याल है इंडिया में 60 से ज्यादा जो है वो यूनिकॉर्न्स हैं इस वक्त। हमारे पास वो क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज हम वो भुगत रहे हैं सारा कुछ। 2015 से लेके और 2021 तक सबसे ज्यादा, अभी 2021 में $310 बिलियन की स्टार्टअप आए पाकिस्तान में। हम दुनिया से डिस्कनेक्ट रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग पे, वो कह रहे थे द वर्ल्ड मोस्ट अनटैप्ड इकोनॉमी, सबसे बड़ी है लेकिन अनटैप्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, हम दुनिया में कनेक्टेड ही नहीं। तो हमसे बढ़ के कीमत किसने दी है जी इस चीज की? हमने तो जान माल हर चीज में इज्जत कर दी। देखे ना सर, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम कि आप मूवीज कितना देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त फिल्म है दीवार, शशि कपूर साहब की, कभी देखिएगा अगर मौका मिले। उसमें वो कहते हैं कि जी दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। तो जो आप कह रहे हैं ना कि हमें हम इसलिए हमने किया, तो उसमें अमेरिका भी था, तो उसमें यूरोप भी था, तो उसमें ये भी था वो भी था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन था। असल बात यह कि हमने पैसे पकड़े और हमने ये सारा कुछ काम किया है। जो आप कह रहे हैं कि वो 70,000 जाने आप अक्सर बताते हैं कि हमने दिए हैं, वो जो आप कहते हैं ना, आपका बड़ा फेमस किस्म का आपका एक डायलॉग है दहशत गर्दी की जंग, तो सर वो दहशत गर्दी की जंग जो हमने लड़ी थी वो हमने ही लड़ी और हमने अपने ही लोगों को मरवाया है और हमने खुद किया। एक मुसलमान कौम ने दूसरे मुसलमान कौम के लोगों को मारा, कोई काफिर नहीं आया था मारने के लिए, ये दो मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। तो ये हम जो है ना वो क्रेडिट हम नहीं ले सकते कि जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो गया, हमने वही भुगता जो हमने कहना चाहिए जो हमने पौधा लगाया था वही हमें मिला है ना, हमें कुछ अलग से तो कोई नहीं आया मारने के लिए, ये सब कुछ हमारा अपना किया हुआ है। अब ये कहना कि नहीं जी हमने तो इतनी जाने दे दी और हमारे साथ तो ये हो गया, अब हमारे पास तो कोई कंपनी नहीं आ रही, कौन कंपनी आएगी? अभी श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मारा गया, उधर क्या कोई आईएसआई वाला खड़ा है क्या? आप बार बार उधर देख रहे हैं, मैंने कहा शायद कोई आपको पिक करने ना आया हो।
मुझे ये बताइए कि कौन कंपनी आएगी यहाँ पे मरने के लिए, कौन आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब हम लोगों को अच्छे से पता है कि हम क्या हाल करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि आखिर कोई सॉल्यूशन है, कुछ किया जा सकता है इकोनॉमी के साथ, इस मुल्क के साथ, या बस इसी तरीके से चलता रहेगा? जो बात मैंने की आपने भी वही की है, मैंने सोल्यूशन दिया है, आपने सिर्फ तंकीद की है। देखिए आप सुने बात, देखिए आपने जब भी कोई बात की है, करते हैं, आपको पॉइंट आपके सामने आया, उसका साथ सोल्यूशन भी दें, उसकी जड़ों में जाएं और उसका मसला हल कर लें। सिर्फ तनकीद करते रहना, तनकीद करते रहना तो सारा कुछ नहीं होता ना। तनकीद के साथ साथ एक इस तरह का सोल्यूशन भी दें, भाई हाँ मुझे बात बताए 9/11 क्यों हुआ, मैं आपसे पूछता हूं बताएं मुझे क्यों हुआ, लेट से बताएं मैडम। नहीं तो सर, 9/11 जो हुआ, तो वो उसको उसको अगर आप 9/11 को उधर लेकर आएंगे तो जाहिर है उसमें तालिबान का नाम है, उसमें उसामा बिन लादेन जो हमारा दामाद यहाँ पे रखा हुआ था उसका नाम है, और वो अमेरिका के ऊपर एक तरह का अटैक किया गया यहाँ से, अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया। लेकिन ये सब चीजें मैं नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ हम जब तक अपनी गलती को नहीं मानेंगे, हम तो हमें सिर्फ डॉलर नजर आते हैं सर, हम डॉलर पकड़ते हैं उसके बाद आपने हम कुछ नहीं सवाल का करते जवाब हैं। नहीं दिया, सवाल का जवाब मैं दे देता हूं फिर। 9/11 इसलिए हुआ कि जिन लोगों को अमेरिका और सऊदीज ने और उस वक्त जिहादीज बनाए, अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ द सऊदीज मुस्लिम वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, उन लोगों ने जाके अमेरिका पे हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका उनको बैक दिखा गया ना, और वो आगे वो कहते हैं हम जिहाद करने आए हैं क्योंकि तुम्हें हमने सिखाया। भाई गलती तो अमेरिका की हुई ना, और सऊदी की हुई, और पाकिस्तान की हुई, कंबाइंड गलती है ना। हम सिर्फ कह दें कि हमारी हुई हमारी हुई हमारी हमारी गलती तो सबसे बड़ी इसलिए है कि हमारा मुल्क तो बैटल ग्राउंड बन गया। अगर हमारा मुल्क बैटल ग्राउंड ना बनता अमेरिका में, तो 9/11 के बाद कोई धमाका नहीं ना हुआ, लेकिन हम तो बैटल ग्राउंड बन गए, हमें तो हमने तो भुगता उसको। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हम पैसे डॉलर ये वो, ये चीजें हकीकत हैं, लेकिन वॉट अब क्या, देखें आपको चीजें अंडू करनी है, और बहुत हद तक पाकिस्तान ने चीजें अंडू की हैं। आज भी जो बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ एक्सट्रीमिज्म है, दहशतगर्दी, काइनेटिक ऑपरेशन हो गए, अगले की करना है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, क्या अमेरिका को सजा मिली तालिबान बनाने की कि ना मिली 9/11 पे, अलकायदा उसामा बिन लादेन को तैयार ले, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से दो मुजाहिदीन अफगानिस्तान में इकट्ठे किए गए, मुझे ये बताएं जो मुजाहिदीन पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए उसकी मगरब को सजा मिली कि ना मिली, शांति मिली, साढ़ा तो रिहा ही कुछ नहीं, क्योंकि हमारा तो बैटल ग्राउंड हम बन गए, उन्होंने क्या किया, पॉइंट ये है मैडम। व्हाट नेक्स्ट, दुनिया, अमेरिका दूर था, सऊदी दूर थे, क्या सऊदी अरब में हमले नहीं हुए, जिन लोगों को सऊदी अरब ने तैयार किया हुआ था, जिन लोगों ने इस सारी प्रॉक्सी वॉर में एंटर हुए, जो अलकायदा बनी, क्या उसामा बिन लादन को सऊदी अरब ने कहा नहीं कि हमारा सिटीजन ही नहीं है, तो पता सर नहीं कौन, डॉलर नहीं पकड़े थे ना, भारत ने क्यों नहीं डॉलर आपका पकड़ लिया, डॉलर किसी बदल और गया, कंट्री आप ने क्यों नहीं पकड़ लिया? मैडम देखे मेरी बात सुने, मैं भी वही बात कर रहा हूं, आप भी वही बात कर रही, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कह रही है पाकिस्तान, आप बड़ी पिक्चर में सिर्फ पाकिस्तान पे टारगेट करती हैं, लेकिन वो जो दुनिया कर रही है और उसके साथ, देखिए हमारा तो कसूर है ही है ना, हम क्योंकि छोटे थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी सर्वाइवल के मसले, लेजिटिमेसी के मसले हमारे बड़े मसले थे, लेकिन क्या सऊदी अरब पे हमले हुए कि ना हुए, क्या अमेरिका पे हमले हुए कि ना हुए, क्या 3,000 जो बंदा अमेरिका ने मरवाया अफगानिस्तान में मरवाया है अपना फौजी, और जो ट्रिलियन डॉलर के, 2 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ वो क्या था, अमेरिका ने जो तालिब उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान को खड़ा किया उसको अंडू कर रहा था ना, तो कीमत के साथ अंडू किया, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता 3,000 फौजी मर जाए या 2 ट्रिलियन डॉलर चले जाए, उनकी 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, क्या फर्क पड़ता है 20 सालों में 2 ट्रिलियन लग भी जाए, क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को, हमें बहुत फर्क पड़ता है, और हमने वो फर्क, हमें नुकसान हमने किया करवाया अपना, हमें देखिए लुक फॉरवर्ड आगे क्या है, आगे ये है कि इन लोगों से जान छुड़ानी है, कैसे जान छुड़ानी है, बड़े काइनेटिक ऑपरेशन हुए हैं, मजीद होंगे, कोई माफी नहीं होगी कोई, और सबसे बढ़ के मेरे से ज्यादा कौन बोलता है, आज भी रेडिकलाइजेशन के ऊपर जीरो काम है हुकूमत का, जीरो, भाई रेडिकलाइजेशन जो, इसको कैसे अंडू करना है, कोई काम नहीं है, ये सारे टाइम बम लगे हुए हर जगह, ये फटते रहेंगे, कहीं ना कहीं सियालकोट वाला तो एक वाक्य है ना, इस तरह के और भी कहीं हो सकते हैं,
तो ये लोग जो रेडिकलाइज और छोड़े अफगानिस्तान को, ये जो पिछले ये 6-5 सालों में जो लोग रेडिकलाइज हुए हैं ये एक मजहबी जमात को लेकर के, उनका क्या करना है आपने? सो पॉइंट ये है कि एक और एंगल से इसकी बात देखिए, सिर्फ ये कहना जी पैसे पकड़े पैसे पकड़े पैसे पकड़े पैसे पकड़े, और पैसे आ गए पर अगे की करना, कीमत भी तो चुकाई है ना हमने, और हमसे ज्यादा किसने कीमत चुकाई है? हर गली मोहल्ले में तो लड़ाई हो रही थी यहाँ पे, लाहौर के लोग घरों में नहीं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, मार्केटों में नहीं जाते थे एक वक्त था, ठीक है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने कीमत चुका के तो उसको अंडू कर लिया ना, अब कर लिया, इतनी ताकत थी हम हमारी रियासत के अंदर किसी को इतनी, देखें अगर विल हो, हमारी विल नहीं है ना, मर्जी नहीं होती क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता, अगर विल हो तो यहां पे कोई बंदा जिसे कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिल सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन हमारी विल नहीं होती कई चीजों में, हम कर ही नहीं सकते हो। जी जाहिर है सर, जिन लोगों ने सब एग्रीमेंट किए होते हैं, जिन्होंने जाहिर है अमेरिका को कहा होता है या अफगानिस्तान पे हमला हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है, जाहिर है उन्हें कॉर्नर के प्लॉट भी बनाने होते हैं, उन्होंने अपनी पापा जॉन्स पिज्जा भी चलानी होती है, और उन्हें लंदन अमेरिका में फ्लैट्स भी खरीदने होते हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड भी लेना होता है। ऐसे तो है नहीं ना कि वो बिपिन रावत जी की तरह चले जाएंगे, बस 3 लाख बैंक में पड़े हुए और एक गाँव में छोटा सा घर है, उस तरह के लोग तो है नहीं हमारे, जाहिर है बहुत बिजनेस माइंडेड किस्म के हमारे लोग हैं, और इसी वजह से हम इन तरह की प्रॉब्लम्स में रहता पसंद करते हैं। अभी भी हम चाह रहे होंगे कोई हमें कुछ और पैसे दे दे तो हम फिर उन्हें कहेंगे आइए जी मिलिट्री बेसिस आप यूज करिए और जहां हमला करना है करें, इनका कोई इलाज मुझे तो कम से कम नजर नहीं आता, और जाहिर है मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैं पाकिस्तान को ही सही करना चाहूंगी, पूरी दुनिया को तो नहीं। तो मुझे बस ये बताइए कि चीमा साहब मुझे लास्ट में बस ये बता रही है आप उधर देख कहाँ रहे, टीवी लग गया उधर